Assalamu alaikum viewers, in this consecutive episode of my live session, the person who is going to add with me, he is Mr. Tahir Ramzan. Within few minutes, he will remain connected with me and this session is sponsored by Virtual Phone Line. I am waiting for Tahir Ramzan. Hopefully, he will get the connectivity as he is going to add with me. And till he's coming here, I am just having to drag into the cup of hot water for my throat. Mr. Ramadan is trying to communicating with me. I am waiting for Mr. Ramadan. Yes, you are here. I think you are here, Mr. Ramadan. I am still trying to communicate with you. Mr. Ramadan, your option is not visible here. I don't know what can be up. Yes, aap aa gaye ho. Ek green color ka extra option aapke paas, woh aap pe apna ungliya dabao, aap add ho jaoge. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Ji, meri awaaz aa rahi hai aapke paas theek thak se? Ji ji. Kaise hain aap? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ. तो हमारा सेशन शुरुआत करने से पहले यहाँ पे जितनी सारी व्यूअर है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुबई और सऊदी अरबिया से, हमारा तमाम व्यूअर्स के सामने अपना तारुफ करो प्लीज. पहले मेरा नाम ताहिर रमजान है और मैं आज आपको ओपन सोर्स के बारे में बताऊंगा. मैं दो दफा गूगल समर ऑफ कोड बन चुका हूँ और गूगल कोडिंग में मैं मेंटर रहा हूँ. तो मेरा बेसिकली कंपेन ये है कि ओपन सोर्स को कैसे प्रमोट किया जाए और ओपन सोर्स कैसे लोगों को बेनिफिट कर सकता है, कैसे ओपन सोर्स को यूज़ करके लोग अपना कैरियर बनवा सकते हैं घर बैठे रिमोटली और कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं. सही. तो जैसे आपने बोला, आप गूगल को एक वो कोड इन मेंटर हो, ये कैसे बना आपने? और किसी को अगर ऐसा बनना चाहते हैं, वो कैसे शुरुआत करें, प्लीज हमको बताओ. ओके. बेसिकली गूगल के बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं. गूगल अपने सोर्स कोड को अपने प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करता रहता है, ठीक है. अब एक उनका प्रोग्राम है गूगल कोड इन. गूगल कोड इन बचूगा है, ठीक है, इसलिए फिलहाल उस वो है भी क्लोज. जो ओपन प्रोग्राम है वो है गूगल समर ऑफ कोड. गूगल सोर्स जो प्रोजेक्ट हैं वो अप्लाई करते हैं गूगल के लिए फंडिंग के लिए या अप्रूवल के लिए. फिर गूगल उनकी करता है कि उनको सेस करता है कि कौन सी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किन ऑर्गेनाइजेशंस के यूजर्स ज़्यादा हैं, किन ऑर्गेनाइजेशन का इम्पैक्ट ज़्यादा है. उन ऑर्गेनाइजेशंस को गूगल अप्रूव कर देता है और वो ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट आ जाती है. इस दफ़ा 200 के करीब ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट हो चुकी हैं. उन ऑर्गेनाइजेशन में ड्रूपल होती है, वर्डप्रेस होती है, जुमला होती है, स्विक्स CRM होती है, मार्ट सिक्योरिटी होती है, पाकी होता है, मोजिला होता है, इस तरह की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ठीक है. अब वो ऑर्गेनाइजेशन ये कर रही हैं कि स्टूडेंट्स को ले रही हैं जिनका जीरो एक्सपीरियंस है, जो जिन्होंने कभी इंटर्नशिप भी नहीं की. वो स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो सकते हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट हो सकते हैं, डेवलपर कोडर प्रोग्रामर्स हो सकते हैं. लेकिन सिर्फ ये कोडिंग तक महदूद नहीं, किसी भी फील्ड का हो सकता है. गूगल की शर्त ये है, गूगल की कंडीशन ये है कि स्टूडेंट 18 साल से ऊपर हो और वो स्टूडेंट हो, ठीक है. तो अब बेसिकली कितना, 12 साल का, 12 इयर्स, 18 इयर्स, 18 इयर्स, ओके. हाँ, ये गूगल समर ऑफ कोड की बात कर रहा हूँ. तो इसमें गूगल आपको, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है, तो आपको $3,000 दे देता है, ठीक है. लेकिन $3,000 की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी आपको जो आपके मेंटर्स टाइम दे रहे होते हैं उसकी है, ठीक है. तो वो मेंटर्स जो हैं वो तकरीबन $100 पर आवर चार्ज कर रहे हैं. अगर वीकली आपको 4-5 घंटे गाइडेंस दे रहे हैं, मेंटरिंग दे रहे हैं, तो वो आप बेसिकली आपके लिए पैसे हैं, ठीक है. तो ये इससे आपको बेनिफिट होता है, आपका एक नेटवर्क बन जाता है, आप अपनी दुनिया को शोकेस कर सकते हो अपना टैलेंट. ओके. आपने इतना क्रिएटिव आइडिया आपके अंदर कैसे आया? आपने, मुझे ऐसा लग रहा है, बचपन से आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हो और गूगल के बारे में इतना सारी पता कैसे चल गया आपके पास? ये तो बेसिकली अब
एंटरप्रेन्योरल माइंड हो या क्रिएटिव माइंड हो, इनोवेटिव माइंड हो, तो आप कुछ ना किधर से कुछ ना कुछ निकाल के ले आते हो, ठीक है। आपकी सर स्किल्स होती हैं, आप एक्सप्लोर करते हो चीज़ों को, तो आपके पास प्रोग्राम्स अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं कि कौन से चांस हैं। और जो भी बंदा इस हम लेवल के माइंड का होता है, वो कोई भी अपॉर्चुनिटीज आया नहीं जाने देता, और वो जो भी खुद देखता है वो दूसरों को आगे बताता है। ओके तो कौन कौन सा इनोवेटिव आइडिया आपने अब तक क्रिएट किया हो और कैसे किसी को इनोवेटिव आइडिया को शुरुआत करना है, इनोवेटिव चीजों को इस्तेमाल करना कैसे मुमकिन होता है, आप इसके बारे में हमको प्लीज एडवाइस दो। अच्छा, सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सप्लोर करेंगे तो बंदे का एक नई दुनिया नजर आएगी कि यार इतनी ज्यादा काम हो रहे हैं, क्योंकि जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है उनका एक्सपोजर इतना ज्यादा नहीं है, तो वो इस प्रोग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि दुनिया में क्या क्या काम हो रहा है और किस लेवल पे हो रहा है और उसकी क्या प्राइस लोग पे कर रहे हैं, ठीक है, और वो कैसे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। फिर उन आइडियाज आगे आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे, उनके इम्प्रूवमेंट्स कैसे करनी है, उनमें किस चीज़ की एडिशन की ज़रूरत है, किस चीज़ की कमी है, कौन सा गैप है जिसको आप फिल कर सकते हो, कौन सी प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि आप $3,000 के पीछे ना जाओ, इवन आप एक्सेप्ट नहीं भी होते तो तब भी आप बहुत कुछ लर्न कर लेते हो, आपको पता चलता है कि क्या क्या काम हो रहे हैं और आप क्या कर सकते हो, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत कुछ है जो आपको पता चलता है इस प्रोग्राम में आके, क्योंकि गूगल ने ऑलरेडी असेसमेंट कर ली होती है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट करी है उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट है, उसका कोई ना कोई उसकी कंट्रीब्यूशन है पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर आप सिलेक्ट नहीं भी होते तो तब भी आपका बेनिफिट ही हो रहा होता है। ओके तो $3,000 आपके पास शायद ज्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन किसी के पास 500 या $1,000 काफी, 500 या $1,000 काफी ज्यादा अमाउंट है। अगर किसी ने बिल्कुल, एटलीस्ट 500 US डॉलर इनकम करना चाहता है थ्रू इंटरनेट, उसको कैसे शुरुआत करना है? मैं बोल रहा हूँ जो बिगिनर आता है ठीक उसको है। कैसे शुरुआत करेगा? हाँ, उसका बेसिकली ये करना है कि समर ऑफ कोड डॉट गूगल डॉट कॉम की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। उधर आप प्लीज आपको इसको कमेंट बॉक्स पे लिख दो, प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिख दो। ठीक, आपने बहुत अच्छी बात की है कि इसको कैसे फायदा होगा। बेसिकली अब जब मैंने वो कर दिया, अब जब स्टूडेंट इस पे काम रिकॉर्डिंग करेगा तो वो इधर अब फ्रीलांसिंग का तकरीबन हर किसी को अब पता चल गया कि फाइवर पे होती है, अपवर्क पे होती है, फ्रीलांसर पे होती है, पीपीएच पे होती है, लेकिन लोगों को काम नहीं मिल रहा, ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। लेकिन जब वो ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं तो उनका एक पोर्टफोलियो आ जाता है, ठीक है। तो उनका एक पोर्टफोलियो बन जाता है, ठीक है, तो वो शोकेस कर सकते हैं, वो शोकेस करके काम ले सकते हैं, और वो मंथली $1,000 का काम ले सकते हैं इजीली, अगर उनकी एक प्रोफाइल है उन। अब ये है, अब ओपन सोर्स को मैं थोड़ा जिसको मैं एक एडवोकेट हूँ, जिसको मैं ज़्यादातर बता रहा हूँ लोगों को कि क्या बेनिफिट है, उसको थोड़ा बता देता हूँ। ओपन सोर्स फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, ठीक है, वो इसमें कोडिंग आती है, प्रोग्रामिंग आती है, डेवलपमेंट आती है, वेब ऐप बना सकता है, मोबाइल ऐप बना सकता है, सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकता है, ठीक है। अब उसने क्या करना है, अब वो इतनी चीज़ें आने के बावजूद उसे कोई जॉब ही नहीं मिल रही, ठीक है, और जॉब करने जाता है तो लोग उसे कहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, उसके पास तो जॉब ही नहीं थी, उसका एक्सपीरियंस तो कुछ भी नहीं है, उसे किसी ने इंटर्नशिप भी नहीं दी। लेकिन ये ऐसा वाइज प्रोफेशन है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, कंप्यूटर प्रोग्राम का, कि आपके पास अगर एक कंप्यूटर है और इंटरनेट है तो आप घर बैठे कुछ भी बना सकते हैं, आप सही व्हाट्सएप जितनी बड़ी ऐप बना सकते हैं जो $18 बिलियन में बिक जाती है, ठीक है, और भी बहुत बड़ी बड़ी ऐप्स आपको नजर आती हैं, स्नैपचैट है, ये एक एक कंप्यूटर से ही बनना शुरू हुई थी, ठीक है, कुछ कोई किसी किसी का भी नाम ले सकते हैं। तो अब क्या करना है, आपने आपने एक सॉफ्टवेयर बना लेना अपना जो आपके दिमाग में आ गया है, ठीक है, उसे फ्रीली लोगों को दे देना है, लेकिन लोग उसे यूज कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि लोगों को डर होगा कि उनका मोबाइल, उनका कंप्यूटर हैक हो जाएगा, उनकी इंफॉर्मेशन चोरी हो जाएगी, ठीक है, इसलिए लोग उसे यूज नहीं करेंगे, ठीक है।
अब उसको यूज कराने का तरीका ये है कि आप उसका जो कोड है वो भी लोगों को दे दें, ठीक है। जब उसका कोड लोगों को दे देंगे, लोगों को पता चलेगा कि इसमें बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। इसमें बैकग्राउंड में क्या वर्किंग होती है, लोगों को ये पता चल जाएगा भाई चल इसमें कोई जबकि जो भी बात नहीं है, कुछ गलत नहीं हो रहा, तो वो उस ऐप को यूज करेंगे। जब उस ऐप को यूज करेंगे तो इस ऐप को यूज करेंगे, उन्हें जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर हायर करना है या उन्हें कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो वो आपको प्रेफर करेंगे सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए, क्योंकि एक बंदा जो फ्री में चीज़ दे रहा है और वो इतनी अच्छी चीज़ दे रहा है, तो पैसे देंगे तो वो उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ डेवलप करेगा, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। तो आपकी एक प्रोफाइल बन गई, आपका एक कैरियर बन गया, आपका एक स्टार्टअप बन गया, आपका एक सॉफ्टवेयर हाउस बन गया, ठीक है। तो इस तरह आपका हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल टास्क है। काफी अब इसी मुश्किल है, टास्क क्या नहीं थोड़ा ये काफी मुश्किल काम है ये नहीं, मेरे ख्याल में तो थोड़ा मुश्किल है। मैं भाई। सब अगर लोग आप जैसा मैं आउटस्टैंडिंग नहीं होता है भाई, आपकी तरह इनोवेटिव आइडिया सबके पास नहीं होता है। नहीं मैं तो कहता हूँ कि किसी के पास भी आ सकता है, लेकिन चले ये हम थोड़ा आसान कर लेते हैं इस चीज को। आसान करने से ये है कि वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि ऑलरेडी डेवलप्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑलरेडी डेवलप्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट कर देगा, उनके लिए एड ऑन लिख देगा, प्लग इन लिख देगा, एक्सटेंशन लिख देगा, उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सोल्यूशन लिख देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2015 में स्विक CRM के साथ काम किया था, तो वो पेमेंट्स लेते थे, तो पेमेंट्स में ये था कि पेमेंट्स ले लेते थे लेकिन रिफंड नहीं कर पाते थे, ठीक है, रिफंड को वो ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। तो अब मैंने उनके लिए रिफंड्स का एक मॉड्यूल लिख दिया कि वो जो पेमेंट्स लेते हैं उनको रिफंड को की ट्रैक कैसे रखना है। फिर पार्शल पेमेंट्स का एक फीचर था उसमें, ठीक है। तो इस तरह का कोई ना कोई गैप आपको नजर आ जाएगा और आपकी प्रोफाइल बिल्ट हो जाएगी। अब प्रोफाइल का बेनिफिट क्या है आपको, अब वही प्रोफाइल आप जब फ्रीलांसर पे या PPH पे अपने क्लाइंट को शो करेंगे तो वो क्लाइंट आपके पास ही आएगा, ठीक है। अदरवाइज तो इतना कंपटीशन है, कोई बंदा फ्रेशर को लेने नहीं चाह रहा। ओपन सोर्स का मकसद ये है कि लोग फ्रेशर को ऐसे ले रहे हैं कि यार उसका तो एक ऑलरेडी प्रोफाइल है और मतलब उसका एक गिटहब पे कोड है, ठीक है, लोग उसे यूज कर रहे हैं, लोग डेफिनेटली सेटिस्फाई हैं, लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, तो आपको नया नया काम मिल जाएगा। मैं अपना सारा काम जितना भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का है, वो इसी बेस पे उठाता हूँ कि मैं अपनी गिटहब की रेपोज सेंड कर देता हूँ उनके लिंक, तो वो देख लेते हैं यार इसका काम हुआ हुआ है, लोगों ने यूज किया हुआ है, इसके कमिट्स बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने एक्सेप्ट किए हुए हैं, ठीक है, तो वो काम दे देती है। ये आपका एक पोर्टफोलियो बन जाता है, आपका अपना बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे आपने एक लिंक भेजा जो शुरुआत करने वाला है, देखिए भाई ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया पे, इवन बांग्लादेश पे, नेपाल, भूटान पे, ये सब कॉन्टिनेंट पे बेरोजगार का मसला काफी एक कॉमन अफेयर बन गया है। और ये कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट पे जब भी किसी को कोई जॉब नहीं मिलता है, गवर्नमेंट जॉब, नॉन गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है, उस वक्त वो इंटरनेट पे इनकम करने के लिए आता है। लेकिन जब आता है देखता है हर जगह पे वेल एक्सपीरियंस पर्सन है। जैसे अगर किसी ने शुरुआत करे, सोचो मैं शुरुआत कर रहा हूँ, आप जैसा काफी वेल एक्सपीरियंस पर्सन देखा जाएगा हमारे पास, तो आपके साथ यहाँ पे भी कॉम्पिटिशन पे नहीं पाऊंगा मैं। तो क्या ये सामर कोड वालों जो आपने लिंक जो भेजा, जो शुरुआत करना चाहते हैं एकदम न्यू फ्रेश बिगनर है, कि उनके लिए कितना हेल्पफुल होगा? उनके लिए ये बेसिकली होता ही शुरुआत करने वालों के लिए है, ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है, और गूगल या सही ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपीरियंस काउंट नहीं करती उस तरह जब वो स्टूडेंट को असेस करती है। फॉर एग्जाम्पल इसी का लास्ट डेट है, तो वो स्टूडेंट को ऐसे असेस कर रही है कि अब आपने एक प्रपोजल सबमिट कर दिया है, तो वो आपको एक टास्क देंगे, ठीक है, उस पर आपको काम करना है, और वो देखेंगे यार जब हमने स्टूडेंट को कोई काम दिया तो स्टूडेंट ने कैसे किया है, उस पे कैसे परफॉर्म किया है, वो मतलब लर्निंग टास्क है, स्टूडेंट को कोई चीज लर्न करने के लिए दिया तो क्या वो उसमें पास हुआ है या नहीं हुआ, ये देख चीज देखेंगे, तो वो डेफिनेटली आप पास हो सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ एक क्लासिक एग्जांपल, मैं बहुत ज्यादा शेयर कर रहा हूँ, का बार बार डिफाइन कर रहा हूँ कि एक ड्रुपल है वर्डप्रेस की तरह का कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। लास्ट ईयर उन्होंने 40 आइडिया इनलिस्ट किए थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने स्टूडेंट लिए सिर्फ दो। ड्रुपल इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि उसको गूगल फंड कर देता अगर वो जितने भी 40 के 40 स्टूडेंट ले सकते थे। अब उन्होंने 40 स्टूडेंट, पूरी दुनिया से उन्हें 40 स्टूडेंट नहीं मिले, इवन उनके पास हजारों एप्लीकेशन आई होंगी, ठीक है, उन हजारों में से उन्होंने 40 नहीं लिए। वो इसलिए नहीं लिए कि उन्हें कोई क्लास जो है उस लेवल का प्रपोजल ही नहीं मिला, ठीक
ठीक है, उस लेवल का उन्हें प्रपोजल मिलता तो वो डेफिनेटली उन स्टूडेंट्स को ले लेते हैं। उनके जेब से पैसे नहीं जाने थे, पैसे गूगल ने देने थे, लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं दिए, लिए क्योंकि जो मेंटर्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के वो उनका टाइम बहुत महंगा है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि वो $100 पर आवर चार्ज कर रहे हैं, और अगर वो 5 घंटे देते हैं तो वो $500 हफ्ते के स्टूडेंट को दे रहे हैं। ठीक है, वॉलंटियर कर रहे हैं अपना टाइम, तो अगर उन्हें कोई स्टूडेंट इस लेवल का नहीं मिला जो कमिटेड है, जो सीरियस है, जो लर्न करना चाहता है, जो उनके टाइम की कदर को जानता है, तो वो स्टूडेंट को नहीं लेंगे। लेकिन अब आप इस बात को पॉजिटिवली देखें कि गैप जरूर है, जो बंदा काम करना चाहता है उसके लिए एक फील्ड है, उसके लिए एक जगह जरूर है, स्पेस है, लेकिन उस स्टूडेंट को प्रूव करना है कि वो काम कर सकता है, लर्न कर सकता है। ठीक है, और लर्न करने में आपको डिस्टेंस एजुकेशन से ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, और हम जी हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस है उस पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में, उनके लिए आसान 3 कोर्सेज अगर हम कहें तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कोर्सेज हैं, उसका भी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, वो फ्रीली अवेलेबल हैं। उनकी असाइनमेंट, उनके कोई उनकी वीडियो लेक्चर्स जो उर्दू में है, हिंदी में है, तो अगर वो कोई बंदा लर्न करना स्टार्ट करता है तो एक एक महीने बाद मिनट, उसको उर्दू हिंदी पे जो है उसका अल्फाबेट क्या अंग्रेजी पे होता तो अच्छा होता, अंग्रेजी पे अगर होता, क्योंकि बांग्लादेश वालों को तो उर्दू हिंदी नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है, समझ सकता है लेकिन पढ़ना या लिखना नहीं आता। वही वीडियो लेक्चर में तो समझ सकते हैं ना, वीडियो लेक्चर हाँ अब वो लिखा हुआ समझे। तो नहीं है। अब वो समझने के लिए तो आप ये कह लें हिंदी में लेक्चर है, लेकिन उनकी जो कोर्सेज हैं वो इंग्लिश में है। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ सबको कि वो सुने। वैसे भी हमारी यूनिवर्सिटी की ज्यादातर ऑडियंस इंडिया से हैं। ठीक है, हाँ हाँ तो इधर से स्टार्ट करें, फिर जब ये वाले कोर्सेज ले चुके हैं वो जो बहुत ज्यादा है, 500 कोर्सेज हैं। ठीक है, तो वो तो उन्होंने कुछ ही लेने हैं, उसमें से बाद आपको सरा आ जाता है आपके पास, EDX आ जाता है। ठीक है, यूडमी आ जाता है, लिंक्डइन लर्निंग है, डाटा कैंप है, एंड रूरल साइट है। ठीक है, ये सारी जगहों से आप बहुत ज्यादा स्किल सीख सकते हो, और हर किसी के ट्यूटोरियल ट्रायल वर्जन अवेलेबल हैं। कोई आपको 2 वीक के लिए फ्री ट्रायल दे रहा है, कोई 1 महीने के लिए दे रहा है, तो इसके मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। ये सारे यूटिलाइज करके आप अगर 1 महीना 2 महीना बेरोजगार हो गए, उसके बाद कुछ ना कुछ आप सीख जाओगे और आप कुछ ना कुछ कर सकोगे। लेकिन भाई रोजगार होगा ये क्या 100% श्योर है? आप जो लिंक भेजा हो यहाँ पे, ये लिंक अगर फॉलो करे क्या नियर अराउंड 18 स्टूडेंट सबको इनकमिंग सोर्स मिल जाएगा? डेफिनेटली जो उनका रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे उन्हें उन्हें तो मिल जाएगा ना। रिक्वायरमेंट मीट करने पे बात है कि रिक्वायरमेंट मान लेते हैं, यानी फॉर एग्जांपल जो बंदा काम ही नहीं करना चाहता, जो मेहनत नहीं करना चाहता, उसके लिए तो कुछ नहीं है, जो मेहनत करना नहीं, चाहता उसे मिल जाएगा। देर इज अ वे, मेहनत देर इज अ तो सब वे। लोग करना चाहता है लेकिन क्लाइंट तो आसानी से नहीं मिलता है। क्लाइंट मिलना और लाठी पटाना एक एक जैसा काम है, बोलता है सब लोग। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आपकी प्रोफाइल जब बिल्ट होगी, आपकी स्किल्स होंगी, ठीक है, आपका पोर्टफोलियो होगा, लोगों को दिखाने के लिए कुछ होगा, तो डेफिनेटली लोग आपके पास आएंगे। आप कम्पिटेटिव एडवांटेज उन्हें दोगे लोगों को, तो वो आपसे ही काम लेंगे, और किसी से क्यों लेंगे। ओके तो तकरीबन कितना नियर अराउंड कितना पैसे कमाएगा? US डॉलर पे 500 होगा? हो सकता है इसे 5,000 भी हो सकता है, ये तो उन पे है कि वो फाइव कितनी अपनी हंड्रेड स्किल्स भी को इम्प्रूव काफी है कर भाई। लेते हैं। 500 अगर हो जाए तो किसी स्टूडेंट 18 इयर्स को किसी स्टूडेंट सेटिस्फाइड होगा। तो कैसे वो शुरुआत बिल्कुल, करेगा, फाइबर से करेगा या यूडेमी से करेगा? बेसिकली वो मैं जो अगर वो प्रोग्रामर है, कोडर है, डेवलपर है, तो उसे ओपन सोर्स से करना चाहिए। ओपन सोर्स में ये है कि आप बहुत जल्दी जो है कोर टीम का पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा सॉफ्टवेयर, आप ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं जो करोड़ों लाखों अरबों लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर वो गूगल समर ऑफ कोड के चैनल से आएगा तो उसे तो सीधा सीधा $3,000 मिल जाएगा ना। ठीक है, और अगर वो सही अपना प्रोजेक्ट कामयाब कर देता है तो उसे क्लाइंट मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन डेफिनेटली इधर सीट्स कम है, इधर 1,000 के करीब स्टूडेंट लेते हैं, तो बाकी नहीं सिलेक्ट हो सकते। लेकिन आप कम अज कम समर ऑफ कोड की वेबसाइट से ये देख सकते हैं कि ये 200 ऑर्गेनाइजेशन लेजिटमेट हैं, इनके यूजर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और इनकी एक इनको डेफिनेटली गूगल ने अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करके ये अपना उन्होंने स्टाफ बिठाया, उनको असेस किया है कि ये वाकई इनकी कोई कंट्रीब्यूशन है, इनका कोई इम्पैक्ट है, लोग इनको यूज करते हैं, इनका कोई बेनिफिट है। तो आपको कम से कम 200 ऑर्गेनाइजेशन तो मिल गई हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हो। तो आप 1-2 महीने उनके साथ फ्री काम करो, उनके साथ फिर यूज करो, तो बाद में आप उसी
वही सर्विस लोगों को दे सकते हो, क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आप फ्रीली यूज कर सकते हो, फ्रीली मॉडिफाई कर सकते हो। तो इसका मतलब आपका पास जो पेमेंट आता है वो गूगल से मिलता है आपको, किसी क्लाइंट से नहीं? नहीं, गूगल समर ऑफ कोड की पेमेंट सिर्फ गूगल से आती है, ठीक है, लेकिन आपका प्रोफाइल डेवलप हो जाएगा ना, ठीक है, आपका एक आपके पास एक क्वालिफिकेशन आ जाएगी कि आपका एक प्रोजेक्ट लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, आपके पास क्वालिफिकेशन आ जाएंगी, वो लोग देख सकेंगे। आप एक कंपैरेटिवली आसानी जो काम बोला वो था मोबाइल एप्स तैयार करने का, ये काम कंपैरेटिवली इजी है। और जो भी काम है ये कहाँ से सीखेगा? कुछ बिगिनर है, उसको कुछ भी नहीं आता है, वो शुरुआत कैसे करेगा, सीखेगा कहाँ से? इसके बारे में क्या कोई सजेशन है आपके पास? बेसिकली तो वो लर्निंग करेगा ना, जो भी चीज़ है वो ग्रेजुअली होती है, ठीक है, ओवर द नाइट कुछ नहीं होता, जादू की छड़ी नहीं होती, ठीक है, कोई भी चीज़ है वो स्लोली स्लोली होती है, ठीक है। सबसे पहले तो वो कोई भी स्टूडेंट है वो आएगा यूट्यूब पे जाता है या किसी भी जगह, कुछ पहले बहुत ये फैसला कर ले वो करना क्या जाता है, ठीक है, जब वो फैसला कर चुका है यार उसने क्या करना है, फिर उसकी आगे बात आएगी कि कौन सी उसने चीज़ सीखनी है। चीज़ तो कोई भी सीखी जा सकती है डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू, ठीक है, और सबसे इजी चीज़ ये है कि आप आईटी में आ गए हो, ठीक है, आईटी ऐसी चीज है जो एक कंप्यूटर इंटरनेट से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, इसमें आगे बहुत सी फील्ड्स आ जाती हैं, लेकिन मैं जो जिस चीज को एडुकेट करता हूँ, मैं जिसको प्रमोट करता हूँ, वो मैं कहता हूँ कि ओपन सोर्स पे आ जाए, तो ये सबसे इजी पाथ है कि आपकी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इधर, ठीक है, कोई बंदा आपको डिस्क्रिमिनेट इस वजह से नहीं कर रहा कि आप किस मुल्क से हो, आप किस मजहब से हो, आप किस यूनिवर्सिटी से हो, आपकी लैंग्वेज क्या है, ठीक है, ओपन सोर्स में सब ओपन है, ठीक है, तो आप का काम पूरी दुनिया फौरन से देख सकती है। ये फाइबर का काम कौन किस्म का होता है ये बताओ, क्योंकि फाइबर काफी फैमिलियर पॉपुलर हो गया है राइट नाउ रिसेंटली। फाइबर पे तो हर तरह का काम है, जो ज्यादातर आजकल लोग कर रहे हैं वो लोगो डिजाइनिंग है, लेकिन उसमें तो अब इतना कंपटीशन है कि आप काम नहीं कर सकते, जो एक्चुअल जिधर से आप पैसा कमा सकते हैं आप वो कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से कमा सकते हैं, मोबाइल ऐप से कमा सकते हैं, लेकिन स्टेज बाय स्टेज आपको जाना पड़ेगा, तो स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। जो शुरुआत करना चाहता है, जो आसानी काम ढूंढना चाहता है, उसके लिए मोबाइल एस भी काफी बेहतर होगा, मोबाइल एस का बिल्कुल काम। ऐसी कह सकते हैं आप। मोबाइल एस पे क्या वो बच्चों को वीडियो गेम का काम करेगा, या इसके अलावा और कौन कौन किस्म का काम है मोबाइल एप्स का, ये बताओ। काम बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो तो आप अपनी स्किल्स के हवाले से करेगा ना, आपने स्किल डेवलप करनी है, स्किल्स पे आप फोकस करें, काम आपको मिल जाना है, ठीक है, स्किल जो भी डेवलप करेगा, मोबाइल ऐप की कर ले, वेब ऐप की कर ले, ग्राफिक्स की कर ले, ट्रांसलेशन की कर ले, ट्रांसक्राइबिंग की कर ले, कोई भी एनिमेशन की कर ले, ठीक है, स्किल डेवलप करनी है उसने, ठीक है, नॉलेज होना चाहिए उसके पास, ठीक है, और डेफिनेटली एक तो उसे टेक्निकल स्किल चाहिए, दूसरा उसको कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, ठीक है, तो अगर वो सॉफ्टवेयर में करना चाहता है तो सॉफ्टवेयर में मैं इसी बात को बार बार कह रहा हूँ कि वो ओपन सोर्स से अपने आप को प्रूव कर सकता है कि ये यार ये ना मेरा पोर्टफोलियो है, ये लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, और डेफिनेटली वो पहले पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि वो फ्री में कुछ लोगों को दे रहा है, ठीक है, ओपन सोर्स का आप आम बंदे के लिए ये मतलब ले लें कि किसी बंदे को जॉब नहीं मिल रही, उसे कोई एक्सपीरियंस की बना पर जॉब नहीं मिल रही, इंटर्नशिप भी नहीं मिल रही, उसके पास घर में एक पीसी है, उसको काम आता है, डेफिनेटली उसने कोई स्किल सीखी है, वो अपना सॉफ्टवेयर बना के लोगों को फ्रीली दे देता है, लोग उसे यूज नहीं करते, लोग इसलिए यूज नहीं करते कि उसमें कोई बैकडोर हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, कोई भी गड़बड़ हो सकती है, तो अब वो सॉफ्टवेयर के साथ उसका कोड भी दे देता है ताकि लोग उसे यूज करें, जब उसने अपना सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर फ्री में दे दिया है तो क्लाइंट जिनको बंदा चाहिए वो उसी बंदे को हायर करेंगे जिसने फ्री में इतना अच्छा सॉफ्टवेयर, जैसे अगर पैसे देंगे तो ज्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर बना के देगा आपको, तो आपका एक पोर्टफोलियो बन जाएगा, ठीक है, तो ये एक आप कह सकते हैं थोड़ा लेंथी टास्क है, लेकिन शॉर्ट ये है कि आप जाएं समर ऑफ कोड की 200 ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो गूगल ने असेस कर दी है कि ये वाकई लोग इन्हें यूज कर रही है, ये मतलब काम करना चाह रही है, ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि वो हर किसी के लिए ओपन है, कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। तो रमजान भाई आप ये बताओ, जो आज का जमाना पे शुरुआत से आई गॉट इट।
ओके, आज के जमाने पे गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब जस्ट जस्ट फ्यू मिनट्स, गिव मी जस्ट फ्यू मिनट्स। आज का जमाना पे लोगों ने ऐसा करता है, पढ़ाई खत्म करने के बाद, पढ़ाई खत्म करने के बाद वो ऐसा करता है कि गवर्नमेंट प्रोफेशन में जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोफेशन में चल जाता है। और गवर्नमेंट प्रोफेशन जाने का उसको काफी इंटरेस्ट है, क्योंकि ये जॉब कॉम्पिटेटिव सेफ है, लेकिन जॉब मार्केट कॉम्पिटेटिव है, इसलिए उनको नहीं मिलता। तो आप क्या सजेस्ट करोगे, हर बच्चों को स्कूल लाइफ से पढ़ाई के साथ साथ इंटरनेट पे यूजिंग करना भी एक एक साथ करना चाहिए, एज ए देयर पार्ट टाइम जॉब, स्कूल लाइफ से शुरुआत करना चाहिए, जैसे बाद में वो एक्सपीरियंस वेल एक्सपीरियंस हो जाए। पार्ट टाइम आपको कोई ना कोई जॉब करनी चाहिए। लाजमी नहीं कि हर बंदा कंप्यूटर पे आ जाएगा तो फिर बाकी लोग, फिर तो किसी को काम नहीं मिलेगा ना, ठीक है। लेकिन पार्ट टाइम हर किसी को कोई ना कोई जॉब करनी चाहिए। एक से ज्यादा काम आने चाहिए हर बंदे को, एक से ज्यादा बिजनेस करने चाहिए ताकि आप सिक्योर रहो। क्योंकि आज हमारी जो फील्ड है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की आप बात कर लें, ठीक है, तो ज्यादातर लोग बैरून मुल्क चले जाते हैं, अरेबियन कंट्रीज में जाते हैं। अब उधर क्या कर रहे हैं, ठीक है, अभी तो वो बड़ा सुकून से रह रहे हैं। अरेबियन कंट्रीज में क्या है, अरेबियन कंट्रीज में वो लेबर जॉब्स कर रहे हैं। आने वाले सही, 1-2 सालों में लेबर जॉब्स की जगह ही नहीं रहेगी, रोबोट्स उनके जगह ले लेंगे। रोबोट सस्ते पड़ेंगे, वो क्यों लेबर से काम करवाएंगे, ये सारे बेरोजगार हो जाएंगे। तो अगर ये लोग अपना प्रोफेशन, अपनी स्किल और डेवलप नहीं करेंगे, आप किसी और बिजनेस में नहीं जाएंगे, किसी और एम्प्लॉयमेंट में नहीं जाएंगे, तो फिर कुछ नहीं करेंगे। लाइफ तो कंटिन्यूस लर्निंग का नाम है, और इंटरनेट का ये फायदा है आपको कि आप डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू बहुत ज्यादा लर्न कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप हर वक्त कोई ना कोई कोर्स करते रहो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं खुद किसी ना किसी कोर्स में होता हूँ। अब मैंने इतनी सब्सक्रिप्शन ली हुई है, प्रूरल साइट की है, डाटा कम की है, लिंक्डइन लर्निंग की है, वर्चुअल असिस्टेंट में मैं बार बार इनरोल हो जाता हूँ, ठीक है। ये तो वो है जो पेड है, फ्रीली आपको इतनी अवेलेबल है, ठीक है। आप फ्रीली बहुत सही, से ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको रिकमेंड करूँ तो CS50 एक कोर्स है, वो ले सकते हैं। उसमें आपको बहुत सी गेम डिजाइन का मिल जाएगा, मोबाइल ऐप का मिल जाएगा, वेब ऐप का मिल जाएगा। इस तरह और बहुत से कोर्सेज हैं, उनको हम नेक्स्ट सेशन में रख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं आज ओके। के लिए। एक लास्ट सवाल पूछना है आपको पास, ठीक है, जस्ट लास्ट सवाल। आप एक एंटरप्रेनर हो और एंटरप्रेनर का जो एक्टिविटी वो काफी पॉपुलर हो गया है, किसी को अगर एंटरप्रेनर बनना चाहता है, बांग्लादेश में एंटरप्रेनर नहीं है अब तक मैंने नहीं देखा, अगर है तो कभी कभार देखा जाता है, इंडिया पे काफी देखा जाता है, पाकिस्तान में देखा जाता है, अगर बांग्लादेश वालों के लिए बोले, काफी बांग्लादेश से व्यूअर है, किसी को अगर एंटरप्रेनर होना चाहता है, उसको कैसे शुरुआत करना है यार, कैसे सक्सेसफुल एंटरप्रेनर बन जाए। एंटरप्रेन्योर मैं तो उसी बंदे को मानता हूँ जो कंटिन्यूस लर्निंग कर रहा है, जल्दी हर चीज को सीख रहा है, ठीक है। हर चीज को सीख के फिर वो प्रॉब्लम्स देखता है, उनके पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम उसके लिए बिजनेस है, एंटरप्रेन्योर के लिए। जो बंदा को मसला नजर आता है वो परेशान नहीं होता, वो सोचता है यार मैं अपने लिए और लोगों के लिए इस मसले को हल करूँ, वो एक एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी को भूख नजर आती है तो वो डेयरी फार्मिंग शुरू कर देता है, लाइफ स्टॉक शुरू कर देता है, एग्रीकल्चर शुरू कर देता है, तो वो सोल्यूशन डेवलप कर रहा है अपने लिए भी, लोगों के लिए भी, उसे बेचेगा, पैसे कमाएगा। तो प्रॉब्लम्स जो है वो बिजनेस होती है एंटरप्रेन्योर के लिए, ठीक है। ये मेरे ख्याल में तो यही डेफिनेशन है इसकी। वो एंटरप्रेन्योर प्रॉब्लम्स में इन्वेस्ट कर देता अपना सारा टाइम उसके सोल्यूशन डेवलप करने में, और उन्हीं सोल्यूशन को वो बेच के अपनी किस्मत लिखता है। ये दैट्स इट और एंड ऑल। किसी स्टूडेंट को स्कूल लाइफ जब फिनिश होने वाला है, स्कूल लाइफ फिनिश होने के बाद उनको उस बात डिसीजन लेना है, क्या वो कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट पे जाएगा या इंटरनेट बेस्ड इनकम करेगा, यही तो है आपका सजेशन। जॉब कोई भी की जा सकती है, बिजनेस कोई भी किया जा सकता है, लेकिन आपको लगातार लर्निंग करनी चाहिए, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि आप अगर फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम देखे, आपको परेशानी होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर अगर आप बनना चाहते हो तो मतलब यह कि आप ये देखो कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम ढूंढो और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ठीक है। उन प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे आप अपने लिए, लोगों के लिए, लोग आपको पैसे देंगे, और आप डेफिनेटली एक एंटरप्रेन्योर हो। ओके, तो ताहिर रमजान भाई काफी शुक्रिया, आप मेरे साथ ऐड हो गए हो आप, और आई एम रियली ग्लैड टू इनवाइट यू, आप एक इनोवेटर हो, एक मैन ऑफ मैसेज क्रिएटिविटी, किसी लास्ट मैसेज भेज दो
उसी बंदे के लिए जो कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट पे डिसअपॉइंटेड होकर इंटरनेट पे काम शुरुआत करना है, फॉर द बिगिनर्स कोई लास्ट मैसेज, आई मीन कोई लास्ट सजेशन भेज दो, अकॉर्डिंग टू योर मैसिव नॉलेज कुछ एडवाइस भेज दो। मैं आपको एक लिंक सेंड कर देता हूँ, उधर जाके आपने लेक्चर सुन सकती है। मैं ये आपको जरूर कहूंगा कि आप उधर से कोई ना कोई, आप एक आपको कोई ना कोई आपकी मर्जी का लेक्चर स्टूडेंट को जो कुछ करना चाहता है वो उधर से सीख सकता है, तो सर और काफी उसको बेनिफिट हो सकता है, तो वो अपना नॉलेज जो है इम्प्रूव कर सकता है। ओके, ये क्या आपका चैनल है? नहीं, ये मेरा चैनल नहीं है, ये मेरी यूनिवर्सिटी का चैनल है। आपका कोई चैनल है ये बताओ, अगर है तो डाल दो, हम लोग सब्सक्राइब करूंगा, आपका एक्टिविटी देखूंगा। नहीं, मैं मेरा कोई चैनल नहीं है। ओके ठीक है ब्रदर, काफी शुक्रिया आप मेरे साथ ऐड हो गए हो, हमारे साथ गुफ्तगू किया हो, और इंशाल्लाह फिर और एक सेशन होगा आपके साथ नेक्स्ट मंथ पे, उस मंथ पे आपको पास हम लोग और फिर और ज्यादा इंफॉर्मेशन ले लूंगा। काफी शुक्रिया हमारे चले साथ ठीक ऐड है, होने के लिए, ओके, थैंक खुदा हाफिज, यू। अस्सलाम वालेकुम। सो द मैन वाज ताहिर रमजान एंड ही गिव टू टाइप्स ऑफ मैसिव नंबर्स ऑफ व्यूअर्स ज्वाइन हेयर। फर्स्ट आई हैव टू डेमोन्स्ट्रेट द नेम, मोस्ट वेलकम अरसानी, यू कम हेयर अगेन, एंड ही इज अ मैन हु कॉन्क्रूट्स हिज फिजिकल चैलेंज थ्रू हिज क्रिएटिविटी। ए लाइन आई ए प्रोवर्ब इज स्टिल विजिबल बिफोर माई आईज, दैट इज ए मैन इज नॉट डिजेबल हु इज फिजिकली चैलेंज्ड, डिजेबल ही इज ही हु डू नॉट यूटिलाइज हिमसेल्फ फॉर हिज मदरलैंड। एंड मिस्टर अरसल अंसारी ही इज नॉट ए डिजेबल पर्सन नो मोर अकॉर्डिंग टू माई फिलोसॉफी, अकॉर्डिंग द फिलोसॉफी ऑफ इथिकलिज्म, ही इज फिजिकली चैलेंज्ड एंड ही इज स्टिल फेसिंग द चैलेंजेस एंड ही इज कॉन्क्यूट्स द चैलेंजेस एंड ही इज शोइंग द एविडेंस थ्रू हिज क्रिएटिविटी। ওয়েলকাম দেবজ্যোতি মিত্র, দাদা আপনার জন্য অপেক্ষা করছি অনেকক্ষণ ধরে। সৈয়দ আসাদ হোসেন স্যার কাফি শুকরিয়া, আপ হামারে সাথ অ্যাড হো গয়ে হো, লেকিন আপকো অ্যাড করনে কা লিয়ে মে কাফি ইন্তজার কিয়া, আপ মেরে সাথ কিসি অর বান্দা অ্যাড হোনে ওয়ালা হ্যায়, উনকো আসা মেরা ফির সেশন হোগা, আপ লোগ প্লিজ মেরে সাথ রাজিয়ে। ও জো বাত মে বলনে চাতা থা ও হ্যায় তাহির রমজান, এক এক লিঙ্ক হমকো সেন্ড কর দিয়া, মে বলুঙ্গা सारी की सारी व्यूअर प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स पे जाए और उस लिंक पे एटलीस्ट वहां पे लाइक भेजे, लाइक पे उंगलियां दबाए जैसे सबको पता हो जाए, और उसको सर्च करें, माय प्ली टू यू जो शुरुआत करना है उसको ये लिंक वो सर्च करें, और प्लीज इसको सर्च करके उसको देखें क्या क्या चीज ताहिर रमजान भाई डाल दिया है यहाँ पे। सामर समर फो कोट विद गूगल जो ऑप्शन है यह पे वो सारा का सारा काम के बारे में बोला गया है, और एक बात जो मैं बोलने वाला हूँ वो है, वो एक छोटा सा चीज हमको सुनाया था वो है, अगर किसी ने फाइव और नॉट ओनली $500, आई एम रिपीटिंग नॉट ओनली $500, इफ अगर किसी ने $1,000 भी कमाना चाहता है तो प्लीज इस लिंक को सर्च करें, और जो जो इन्फॉर्मेशन वो डाल दिया है इनको सीख ले। और ताहिर रमजान भाई एक मैसिव इनोवेटिव पर्सनालिटी, उसको पास $3,000 भी काफी नहीं है, दिस इज ए लिटिल बिट अमाउंट फॉर हिम बट अ मैसिव अमाउंट फॉर द ऑर्डिनरी पर्सन लाइक मी एंड यू। एंड और एक लिंक वो डाल दिया है जो शुरुआत करने वाला है, मैं बोलूंगा यूट्यूब से आप जाओ, ये जो है ना www.youtube.com.user/VU, इसको आप सर्च करो और इसके बारे में पता करो। सो तमाम व्यूअर्स को काफी शुक्रिया, वेलकम बिलल बाबर, आप फिर ऐड हो गए हो लेकिन काफी दिन से इंतजार कर रहा था, वेलकम इकरा खान, बट आप आखिरी वक्त हमारे साथ ऐड हो गए हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ ये सारे लिंक सारे की सारे व्यूअर्स सर्च करो, इंशाल्लाह ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, और हेल्पफुल होगा जो बेरोजगार के मसले पे अभी दुख रहा है। फिर रब्ता होगा आप सारी दोस्त के साथ, और नेक्स्ट सेशन पे प्लीज आप सारी के सारे लोग मेरे साथ रह जाओ। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।